लाउंज और आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार का जो है मीठा बनाने वाले हैं हम स्वीट डिश बना रहे हैं हम ठीक है जी। स्वीट डिश में हम क्या बना रहे हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारे पास है ये गुड़ ठीक है हम इससे कुछ बनाने वाले हैं ठीक है। हम गुड़ बनाएंगे गुड़ से क्या बनाएंगे और आप देख रहे हैं चावल हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म के गुड़ वाले चावल जो बेसिकली हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा शौक से ये खाए जाते हैं और हम लोग तो यहाँ भी बहुत शौक से ही खाते हैं ठीक है। और इट्स पर्सनली माय हस्बैंड्स फेवरेट स्वीट डिश वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे घर में मोस्टली जो है गुड़ वाले चावल बनते ही रहते हैं और मैं जो हूँ ओकेशनली भी जो है गुड़ वाले चावल बहुत शौक से मैं बना लेती हूँ। कोई ख़त्म दिलाना हो या कुछ भी इस तरह का कोई इवेंट होता है तो मैं जो हूँ मीठे में गुड़ वाले चावल हमेशा बनाती रही हूँ। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी को और आज जैसे आपको पता भी है शिवरात के मौके के ऊपर भी जैसे कुछ ना कुछ मीठा हम बना रहे होते हैं तो जी तो मैं जो हूँ गुड़ वाले चावल बनाती हूँ मोस्टली वो भी आपको मेरा व्लॉग मिलेगा उसमें मैं आपके साथ पूरी रूटीन भी शेयर कर रही थी तो उसमें आपको पता चलेगा ठीक है। और हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। अच्छा जी हमने चावल ले लिए हैं सबसे पहले चावल लिए हैं मैंने 750 ग्राम तकरीबन जो है ये एक किलो से जो अगर मैं आपको बताऊं कि मैं मेजरमेंट किस तरह करती हूँ मैं चार गिलास चावल जो स्टील वाले होते हैं वो इज इक्वल टू इक्वल जो है 1 kg राइस तो मैंने 3 ले लिए हैं ठीक है। इनको मैंने 20 मिनट भिगो दिया है और भिगोने के बाद इनका पानी गिरा दिया ठीक है। और अब हमने ले लिया है गुड़ ये अपने अकॉर्डिंग आप जितना स्वीटनेस चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डालेंगे और इसके अंदर जाएगा जी खोपरा किशमिश और बादाम ठीक है। इनको मैंने इनका छिलका रिमूव कर लिया है तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी और इजीली आप इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। और आपको चाहिए जी सौंफ जाएगी इसमें पाउडर फॉर्म में हम डालेंगे और जो है इलायची एक अदद 1 से 2 हम इसके अंदर इलायची यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है मैं इसी तरह यूज़ करती हूँ। ये चीज़ें जाएंगी और ऑयल या घी आप जो भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं और हमारा मज़ेदार किस्म का जो है स्वीट डिश हमारी तैयार हो जाती है। सबसे पहले अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं इसका। ये देखिए आप गुड़ की शक्ल देखें कितनी खूबसूरत है मज़ेदार किस्म का जो है आप ऐसे भी खा सकते हैं बहुत मज़े का लगता है ठीक है। ये देखें सबसे पहले मैंने क्या किया है पानी गर्म होने के लिए रख दिया है चावलों को बॉईल है करना आपको सबसे पहला स्टेप होता है ये भिगो के रख दिए पानी निकाल दिया और अब हमने क्या करना है चावल बॉईल करने चावल इतने बॉईल होने चाहिए कि आप जब इसके अंदर शीरा बना के जब चावलों में डलेगा तो वो उसके बाद दम वाली आँच पे प्रॉपर जो है डन हो जाए ठीक है। तो मैं इसको पहले करके दिखाती हूँ आपको पहले चावल हम बॉईल कर लेंगे और हम साथ में भी शीरा भी रख देंगे जब तक चावल होंगे तब तक शीरा भी डन हो जाएगा। चले अब पानी ऑलमोस्ट इस गर्म होने वाला है जब बिल्कुल बॉइलिंग सिचुएशन पे होगा बॉईल होने वाला हो मतलब बॉईल हो ना रहा हो बबल्स ना बन गए हों नियर टू बॉयल हो ये देखें जैसे इसमें हल्के हल्के बबल आ रहे हैं तो हाँ आपने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना होता है। चावलों को हम अभी करेंगे आप जो हैं एक दूसरे पैन में हम ले लेंगे घी पहले ठीक है। अब ये आपके अकॉर्डिंग होगा आप कितना घी यूज़ करना चाहते हैं ठीक है। मैं तकरीबन इसमें 3 and 4 टीस्पून के करीब मैंने ऑयल भर के डाल दिए सॉरी घी डाल दिए ठीक है। और फिर इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर 2 अदद अपनी ग्रीन इलायची ऐड कर दूंगी ये देख रहे हैं आप और साथ ही मैंने इसके अंदर जो है इसी स्टेज पे सौंफ का पाउडर ऐड कर देना है और हम पिंच की जगह मैं इसमें 2 पिंच कर लूँगी ठीक है। हम चावल आज ज़्यादा बना रहे हैं 2 पिंच ऑफ सौंफ का पाउडर फॉर्म में ऐड कर देंगे ठीक है कि हमारा हो गया ऐड तो थोड़ा सा हम पकने देते हैं और इसके अंदर हम फिर अपना जो है गुड़ ऐड कर देंगे ठीक है। अच्छा ये जो है मिठास आप अपने अकॉर्डिंग यूज करिए मैंने कोई इसको मेजरमेंट तो ऐसे की नहीं है 3 4 5
नंबर 6, ये मैं 6 to 6 इसमें ऐड करके और इसे इसको लो फ्लेम पे हम बनाएंगे और इसमें फिर पानी भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि ये जो है ना लगे ना। वरना जो है ये बहुत ज़्यादा लगने शुरू हो जाए। देखें आप, इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और आपको देखें इसकी आवाज़ भी चेक करें। और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर दिया है। फिलहाल मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और हमारा जो है ये भी डन हो गया। अब इसके अंदर हम अपने चावल ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी जब तक ये होंगे और हमारा शीरा भी रेडी हो जाएगा। बहुत आसानी से ये हो जाता है, ठीक है, ये मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना। और इधर देख लेते हैं, मैंने फ़िलहाल 1 कप ही इसमें पानी ऐड किया है और इसको हमने बिल्कुल तेज़ आंच बहुत ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है, लग जाए नीचे। और हम इसको जो है बनाएंगे, बहुत टेस्टफुल बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बड़े मज़ेदार से होते हैं ये गुड़ वाले चावल। हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है, ये ट्रेडिशनल डिश है जो हमारे पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, बहुत टेस्टफुल बनती है ये, ठीक है। वेट करेंगे तब तक ये मेल्टेड आउट हो जाएगा और हमारे चावल हो जाएंगे, ठीक है। मैं चावल को कुक करने के बाद इनको निकालूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। चावल आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाने हैं कि आपके चावल बाद में जो है बिल्कुल ही टूट जाएँ। और ये देखें हमारा जो है शीरा कितना ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हो रहा है। और हमारा सारा जो है ना ये गलती मतलब मेल्ट हो चुका है सब अच्छे से, देख रहे हैं आप, बस थोड़ा सा रह गया है वो हो जाए। आज बिल्कुल मैंने अभी स्लो कर देनी है कि ये ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो जाए, कि आपके चावल जो है ना, अच्छा आपके चावल मीठे ये चीज़ में ना थोड़े से जाके ना हार्ड हो जाते हैं, तो आपने उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। और ये चावल आप देख रहे हैं, मैं दोनों चीज़ें साथ साथ ही कर रही थी। और ये मैं चेक कर लूँ क्या हो गया है इनका, अभी ये थोड़ी सी इसमें कसर रह गई है, थोड़े से और हो जाए उसके बाद मैं इसको निकालती हूँ। बहुत अच्छे हमारे वैसे चावल हैं ये, बहुत लंबे भी होते हैं ये। और इसकी जो खटास कह रही हूँ, सॉरी मिठास, स्लिप ऑफ टंग हो गया है, इसकी जो मिठास है ना वो मैं अभी चेक कर लूँगी कि मुझे आया इट्स। आपको पता है ये रॉ मतलब गुड़ वगैरह डायरेक्ट बनाया जाता है ना, तो थोड़ा बहुत इसमें कुछ अगर आपको एलिमेंट कुछ नज़र आए तो आप उसको, वैसे इसमें सौंफ डालिए ना तो उसकी वजह से वो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। गुड़ क्या जो है मिठास बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है तेज़। अच्छा फिलहाल मैं इसको जो हूँ फ्लेम को लो पे बिल्कुल स्लो पे लेके जा रही हूँ और मैं जो हूँ चावल मैं छानने वाली हूँ। ये मुझे लग रहा है बस इतने काफ़ी हैं। हल्की सी इसमें ना जो एक कनी वाले बिरयानी के चावल होते हैं ना वैसी वाली इसकी कंडीशन है। बस मैं इसको ऑफ कर रही हूँ ताकि जो है मेरे चावल बहुत ज़्यादा ना फिर मेल्टेड ही ना हो जाए, ठीक है। इसको निकालते निकालते इसका काम हो जाएगा, तो मैं इसको ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। इतनी कंडीशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी आपने कच्चे नहीं रखने क्योंकि ये मीठे में जाके ना फिर अजीब से खड़े खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और बहुत ज़्यादा भी आपने मेल्टेड नहीं कर लेने कि आपके चावल ख़राब हो जाएँ, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है, मैं इसको ऑफ कर रही हूँ फ्लेम को और मैं चावल निकाल लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और अब मैं जो हूँ चावल जो है छानने वाली हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, ये देखें। सारे जो चावल देख रहे हैं आप, चावलों की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ना गले में है ना बहुत ज़्यादा अनकुक्ड है या ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड है, बिल्कुल परफेक्ट।
कंडीशन जैसे हम बिरयानी के लिए रखते हैं ना, बिल्कुल वो वाली कंडीशन। माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावल है ना। ठीक है, ये हो गए चावल हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे परफेक्ट चावल। ये देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त, इट्स टू हॉट ना, ज़बरदस्त किस्म के अलग अलग चावल हैं। और अब जो है हम शीरे के लुक चेक कर लेते हैं आखिरी बार। ये देखें आप, शीरा भी हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना किशमिश, खोपरा और बादाम। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। और इसको भी हम थोड़ा सा पकाते हैं। ठीक है जी, इसको अच्छे से हम पकाते हैं। और बस ये इतना शीरा एक काफ़ी है, और हमने इसको डालना है चावलों में ताकि फिर अच्छे से हमारे जो चावल है ना, वो जो थोड़ी सी उसमें कसर है वो दम वाले फ्लेम पे होगी। मज़ेदार किस्म के हमारे चावल होंगे रेडी। ये देखें आप माशाल्लाह, इतना मज़ेदार किस्म का ये ना मीठा तैयार होगा आज। बस 2-3 मिनट मैं इसको और पका रही हूँ, उसके बाद मैं फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दूँगी। ये जो है ना गुड़ बनता है ना, तो चूंटियाँ वगैरह बीच में गुड़ों में आ जाती बहुत छान सकती। अच्छा इसको मैं बस ऑफ कर रही हूँ, ये हो गया है डन। और हम अपने चावल ऐड करेंगे फिर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। ठीक है, जो हमने बिल्कुल छान लिए थे, और साथ में ही हम फिर अपना शीरा भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं हम, इसके अंदर जो है शीरा ऐड कर देना है। ये आप देखें माशाल्लाह, ये आपका शीरा इसके अंदर चला गया सारा। और ये जो है दम वाली फ्लेम पे कुक होंगे, और कोई भी चीज आपने मिस नहीं करनी। ठीक है, इसको करना है कुक। ठीक है, ये देखिए आप, जबरदस्त किस्म के हमारे चावल हो गए हैं। और हमने सांच अपनी ऑन करके, और इसको जो है दम वाली फ्लेम पे पकाना है। ठीक है, अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। और ये देखें आप, चावल बिल्कुल हमारे पकना शुरू हो गए हैं। और हमने जो है उसको, जैसे आप नॉर्मल चावल बनाते हैं ना, पानी इतना रह जाता है और दम लगा देते हैं, बिल्कुल वही वाला इसमें भी होता है। हमने थोड़ा सा इसको पकाया डालने के बाद, और ये देखिए आप, यू नो है इसमें थोड़ा अभी है पानी, और आपने इसको फिर दम पे लगाया। ठीक है, अब हमने इसमें चावल देखे डाले थे, वो हमें लगने में काफ़ी कुक दे, इसमें डालने के बाद थोड़े से टफ हो जाते हैं, मीठे का थोड़ा सा ये इशू होता है। अब बस मैं ना इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो पे लेके जाऊंगी, और इसकी लिड को कवर करूंगी, और हमारे मज़ेदार से किस्म के तकरीबन इसको 15 मिनट का मैं दम दूंगी। और मज़ेदार किस्म के जो है ना हमारे मीठे गुड़ वाले चावल जो है ना, वो तैयार हो जाएंगे। बहुत प्यारा इसका कलर आ रहा है, ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, आपको दिखाऊंगी। उसके बाद में इसको बस कवर करूँ। ठीक है, अब बस मैं इसको कवर कर रही हूँ, फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो करूंगी,
और अब हम इसको करेंगे कवर। कोई भी भारी चीज़ आप रखना चाहें तो वो रख दें आप, ठीक है, और चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। और बस हम इसको 15 मिनट के लिए दम दे रहे हैं और हम 15 मिनट के बाद इसको आपको फाइनल लुक चेक करवाएंगे, ठीक है। हो गए हैं 15 मिनट और ये देखें फ्लेम मैंने कर दी ऑफ और अब जो है हम इसकी लुक चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हियर इज द लुक। और ये आप देखें चावल हमारे माशाल्लाह फुली कुक्ड हो गए हैं और देखें चावल अलग अलग और कितने लंबे लंबे हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा इसको बहुत ज़्यादा अभी फ़ौरन से आपने नहीं करना था, थोड़ी देर आप इसको ऐसे छोड़ दें तकरीबन 5 मिनट के लिए आफ्टर दम, ताकि ये जो है अपनी जगह पे वापस आ जाएं, ठीक है। अब अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो टूट जाते हैं, तो आपने 5 मिनट के बाद जो है ना दम उठाना होता है और उसके बाद जो है चम्मच चलाया करें हमेशा, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको छोड़ रही हूँ और चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ठीक है। 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से ऐसे, ठीक है, बीपी ये काफ़ी गर्म है लेकिन ठीक है, वीडियो के लिए आपको ये काम करने होते हैं। अब देखें चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। अब मैं आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक चेक करवा दी, ठीक है। ये देखें जी फाइनल लुक हमारी रेडी हो गई है मज़ेदार से किस्म के गुड़ वाले चावलों की। और मैं आपको दिखाऊंगी ये चावल कितने लंबे हुए हैं माशाल्लाह से और बिल्कुल भी जुड़े हुए भी नहीं हैं, आप देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार किस्म का जो है ये हमारी बिल्कुल ट्रेडिशनल डिश है, आप लोगों को भी आनी चाहिए। और एक तो ये कि इतनी ईजी बन जाती है और मज़ेदार भी बहुत होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।